नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा अपडेट जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। कई स्टूडेंट ने जमीन बेचकर तैयारी की थी रीट की। एक मजदूर पिता ने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी का सपना देखा था, उसे जैसे तैसे जयपुर भेजा, कमरा दिलाया और कुछ साल खर्च उठाया। बेटे ने रीट की परीक्षा दी लेकिन पेपर आउट हो गया। बेटे का सपना पूरा होने से पहले ही पिता चल बसे। अब परिवार की जिम्मेदारी उस बेटे पर थी जो जयपुर में रहकर तैयारी कर रहा था। ऐसे ही एक किसान ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसे लिए, लेकिन पेपर आउट और धांधली की खबर ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया। जी दोस्तों, राजस्थान में ऐसे कई पिता हैं जो अपने बेटे या बेटी को पढ़ाने के लिए या तो जमीन बेची है या अपने रिश्तेदारों से ब्याज से पैसे लिए हैं, लेकिन इस पेपर धांधली ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में अब विद्यार्थियों को 4 महीने और इंतजार करना होगा और शहर में रहकर पढ़ाई करनी होगी, उसका खर्चा अब अलग से लगेगा। दोस्तों, इस अपडेट में आपकी क्या राय है? क्या इसमें सरकार की गलती है या फिर कुछ अधिकारियों की? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी रूम में रेप। बाड़मेर में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी रूम में 14 साल की नाबालिग के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग को चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया, उसे वायरल करने की धमकी दी। घर पहुँचने पर पीड़िता ने परिजनों को वारदात के बारे में बताया, तब जाकर थाना में 19 मई को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। भूखा प्यासा लेपर्ड घर में घुसा, परिवार पर हमला किया। जंगल में भूखा प्यासा लेपर्ड शुक्रवार सुबह रहवासी इलाके में घुस आया, एक मकान में घुसकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हाथ पैर और कान तक चबा गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग लाठियां लेकर लेपर्ड के पीछे भागने लगे और पीटकर उससे चोटिल कर दिया। इसके बाद वह एक बाड़े में जाकर दुबक गया। क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी और पुलिस ने मौके पर जाकर भीड़ को भगाया। रेस्क्यू करने के लिए राजसमंद ने टीम को बुलाया गया। लेपर्ड के हमले में करीब 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसे वन विभाग की टीम ने दसूरी वन विभाग ऑफिस ले गई, जहां उसका उपचार किया गया और ठीक होने के बाद उसे जंगल छोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। 23 मई से फिर से लगेगा जनता दरबार। उदयपुर में हाल ही में हुए चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से जनता से जुड़ने की कवायद करने में जुट गई है, जिसके तहत राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 23 मई से फिर से जनता दरबार लगेगा। सप्ताह में 3 दिन राज्य सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आम लोगों की समस्या सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। सोमवार से बुधवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई होगी। पीसीसी ने 23 मई से लेकर 15 जून तक जन सुनवाई कार्यक्रम जारी रखा है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। रणथंभौर के ड्राइवरों की QR कोड से होगी स्कैनिंग। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग की ओर से अब कड़ा रुख अपनाया गया है। अब वन विभाग की ओर से टाइगर सफारी पर जाने वाले गाइडों और वाहन चालकों की वन विभाग की ओर से जंगल में प्रवेश से पहले QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी। इसके लिए वन विभाग की ओर से एंट्री पॉइंट पर बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई जाएगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। यहाँ पान की दुकान पर मिलता है ब्लास्ट का सामान। बांसवाड़ा में पान की दुकान पर तबाही का सामान मिल रहा है। खतरनाक भी इतना है कि चंद मिनटों में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देते हैं, वो भी महज 100 रुपए में। पुलिस से साठगांठ होने के कारण बेचने वालों में डर भी नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस को बंदी जाती है। लाइसेंस के बारे में पूछा तो वे बेकॉफ होकर लोगों को खुद ही अपना लाइसेंस बताते हैं। ये खतरनाक खेल बांसवाड़ा के फलोदा, पाटन, गगड़तलाई, बुकड़ा और वजवाना इलाकों में चल रहा है। यहाँ हर साल 50 लाख रुपए का अवैध रूप से विस्फोट बेचा जा रहा है। मार्च में पाटन इलाके के एक ही घर में भारी मात्रा में विस्फोट मिला था। इसके बाद दैनिक भास्कर टीम ने 2 महीने तक 5 गांवों में टेस्टिंग किया। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। 5 गांवों में डेटोनेटर, फ्यूज वायर, जिल्टीन की छड़े बेची जा रही है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।